Hey guys, welcome to Cashify. और आज हमारे पास है बहुत ही मुश्किलों के बाद सात समुंदर पार से आया Google Pixel 5. और Google Pixel 5 हम रेकमेंड करते हैं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ. लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे. हो सकता है कि आपको थोड़े और पैसे डालकर बेटर स्पेक्शीट मिल जाए, बेटर कैमरा, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर हार्डवेयर, यहाँ तक कि बेटर स्क्रीन. लेकिन गूगल यहाँ कुछ और ही बेच रहा है, और वो बेच रहा है सिंप्लिसिटी, जो कि अब बहुत ज्यादा अनकॉमन हो चुकी है. सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें ये जानने के लिए कि क्या गूगल पिक्सल 5 आज तक का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन है, क्या आज तक का सबसे सिंपल और सबसे दमदार फोन है. लेकिन आगे बढ़ने से पहले Cashify के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले खबर मिले जब भी हम कोई नई वीडियो लेके आए. तो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिजाइन से और हार्डवेयर से. तो पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मुझे ये डिजाइन बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं. हाँ, क्योंकि ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, बहुत लाइट फोन है. इट्स ओनली अबाउट 150 grams. और ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि इस बार गूगल ने यूज किया है एक ऑल एल्यूमिनियम फ्रेम. बैक साइड इज मैट ब्लैक, वेरी सिंपल, सोबर, एब्सोल्यूट कॉर्पोरेट लुक. मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पिक्सल 5 को आईफोन से कंपेयर करूं, तो आईफोन इज स्टिल अ लिटिल शो ऑफ जैजी काइंड ऑफ अ लुक, बट पिक्सल इज एब्सोल्यूट कॉर्पोरेट लुक. बट कुछ लोगों को ये बोरिंग भी लगता है. However, I like it personally. और बैक साइड में दिया एक सिंपल सा कैमरा मॉड्यूल जिसके अंदर सिर्फ दो लेंस है. नो बकवास, ओनली सिंपल कैमरा एंड बॉडी स्ट्रक्चर, दैट्स इट. एंड माई फेवरेट वेरी 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 यूजफुल थिंग इन दिस फोन इज अगेन द इम्प्रिंट सेंसर, विच इज द बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि इतना ज्यादा हैंडी है. मैंने गूगल पिक्सल की ऑलमोस्ट सारी सीरीज, जब से गूगल पिक्सल 1, 2, 3 सब यूज करके देखा है, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट फीचर दैट आई लाइक अबाउट इट. और अगर फेस आईडी खोलने के लिए मास्क नहीं उतारना है, तो देयर इज नथिंग लाइक दिस, क्योंकि इससे इजी और कुछ नहीं है. और इस बार गूगल ने एक प्यारा सा छोटा सा डिजाइन एलिमेंट ऐड किया है, जो कि है सिल्वर पावर बटन, जो कि अलग दिखता है. डेफिनेटली शाइन्स एंड इट गिव्स दैट प्रीमियम लुक टू, क्योंकि सिल्वर एंड ब्लैक, आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर कॉम्बिनेशन. ऑल इन ऑल आई लव द डिजाइन. डिस्प्ले की बात करें तो OLED स्क्रीन है. अगर आपने पिक्सल 3 यूज किया है तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखता स्क्रीन के अंदर, इट्स प्रीटी मच द सेम. और लेकिन एक चीज बहुत ही अच्छी करी है गूगल ने, वो है कि 6 इंचेस की स्क्रीन है, लेकिन अब इन्होंने हटा दिया है इसमें से बेजल्स का प्रॉब्लम, और ये छोटा सा पंच होल कैमरा है, विच इज एन एब्सोल्यूट ब्यूटी, बिकॉज अब हम स्क्रीन के अंदर कोई भी वीडियो फुल स्क्रीन देख सकते हैं विदाउट एनी बेजल्स. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट गूगल हैज डन, क्योंकि मुझे पिक्सल 3 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी. मुझे ऐसा लगता था मेरी स्क्रीन काफी छोटी है. एंड नॉट जस्ट दैट, एक और इंप्रूवमेंट है, विच इज द 90Hz डिस्प्ले. आई वॉज ऑलरेडी वेरी हैप्पी विद 60Hz डिस्प्ले ऑफ गूगल पिक्सल 3, बट पिक्सल 5 में तो कमाल कर दिया. अगर आप पिक्सल 3 को स्मूथ कहते हैं, तो आई डोंट नो इसको क्या बोलूं, सुपर स्मूथ. स्क्रीन पे देखने से आपको, अगर आप पिक्सल 3 के कलर्स और पिक्सल 5 को या पिक्सल 4a को रखेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गूगल के पिक्सल सीरीज में पिक्सल 3, 4, 4a एंड 5 ऑलमोस्ट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर. हाँ, बेजल्स का डिफरेंस है. बात करते हैं ऑडियो की. इस बार गूगल ने मेरी वो कंप्लेन दूर कर दी, यानी कि ऑडियो की. स्पीकर्स, नाउ इट हैज सराउंड स्पीकर्स, और अगर आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे मियाँ इतनी बड़ी आवाज़ कैसे निकाल रहे हैं. एंड नॉट जस्ट दिस, इसके अंदर आप फ़ोन कॉल कर ही नहीं सकते. हाँ, क्योंकि इसमें आप फ़ोन सुनने की कोई ईयरपीस नहीं है. आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देख सकते हैं. जी, मैं मजाक कर रहा हूँ. इस बार गूगल ने यूज करी एक नई टेक्नोलॉजी और ईयर पीस को कर दिया है रिमूव, जिसका नाम है पैनल ऑडियो. यानी कि गूगल ये कहता है कि उसकी स्क्रीन के अंदर वाइब्रेशन के थ्रू साउंड जनरेट किया जाता है, और अगर मैं इसको ऐसे करके या ऐसे करके या ऐसे करके भी आवाज सुनूंगा, इट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर. सो ऑडियो में मैं इस बार गूगल को देता हूँ 10 में से 10.5 नंबर, नहीं 11. तो ऑल इन ऑल इस फ्रेम को सिक्योर रखा गया है पानी से, बरसात से, मतलब कि इसके अंदर है IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग. बट नो हेडफोन जैक, नो गूगल असिस्टेंट बटन, नो हैंकी पैंकी.
एंड नाउ डिशुम 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 परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इस प्राइस में हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865, लेकिन गूगल पिक्सल 5 में आपको मिलता है 765G, क्योंकि जी गूगल मानता है कि वो अपने 765 में ही दे सकता है 865 की मजे, यानी कि गूगल की ऑप्टिमाइजेशन इतनी क्लासिक है और इतनी सुपर्ब है, इतनी स्ट्रांग है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है 865 या 855 पे जाने की। तो आप खेल सकते हैं पबजी ऑन 5G, आपको देता है फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। सॉफ्टवेयर की बात करें तो प्योर स्टॉक एंड्रॉयड 11, यानी कि एंड्रॉयड का सबसे प्योर फॉर्म आपको मिलता है गूगल पिक्सल 5 में। इस बार कुछ नई नई प्यारी प्यारी चीजें दी हैं, जैसे कि आप लॉन्ग प्रेस करें होम स्क्रीन पे, आपको दिखेगा स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स, यहां से आप जाके चूज कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल वॉलपेपर आइकन्स की शेप्स। ग्रिड मेन्यू दे रखा है जिसमें 4x4, 3x3, 2x2, जो भी आपको अच्छा लगे या डिफॉल्ट। सो ओवरऑल इसमें कस्टमाइजेशन काफी सटल ऑर्गेनाइज्ड है। और यहां मुझे एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी चीज दिखी जो मैं आपको बता देता हूं क्विकली, वो है रिकॉर्डर ऐप, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इस रिकॉर्डर ऐप में रिकॉर्ड करते हुए अगर आप ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका बोला हुआ सारा वॉइस टेक्स्ट में कन्वर्ट अपने आप हो जाता है, एंड दैट्स अ रिवॉल्यूशनरी थिंग दैट गूगल हैज डन इन रिकॉर्डिंग ऐप्स, जो कि पहले नहीं होती थी। और आप अपनी रिकॉर्डिंग को या तो ऑडियो या तो वीडियो दोनों में ही एक्सपोर्ट कर सकते हो। वाओ। Hey guys, welcome back to Cashify, and please don't forget to subscribe and like, comment and share on our new video. Stay tuned because the Pixel 5 review would be live soon. अब आते हैं उस पॉइंट पे जो कि पिक्सल यूजर्स शायद इस वीडियो को अभी तक इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि क्या है बैटरी का स्टेटस। तो मैं आपको देना चाहूंगा खुशखबरी 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 कि इसके अंदर है आज तक की पिक्सल की सबसे अच्छी बैटरी। इनफैक्ट ये बैटरी आउट परफॉर्म करती है कुछ और अच्छे बैटरी के लिए जानने वाले फोन्स को। आई एम रियली स्टंड ये देख के कि पिक्सल 5 की बैटरी फाइनली एक दिन 10 घंटे चल सकती है, यानी कि 34 घंटे, 34 आवर्स। वाओ, जिसमें से आप मान सकते हैं आराम से 12 घंटे तक का स्क्रीन टाइम। एंड ऑफ कोर्स आज के जमाने में वायरलेस चार्जिंग किसमें नहीं होती, आपके गूगल पिक्सल 5 में मिलेगी आपको वायरलेस चार्जिंग। एंड नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट व्हिच इज द कैमरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि पिक्सल 5 में पिक्सल 2 का ही कैमरा है तो क्या आप मानेंगे? अगर आप नहीं मानते तो आप मान लीजिए, क्योंकि ये बात सच है कि पिक्सल 2, पिक्सल 3, पिक्सल 4 एंड नाउ पिक्सल 5 दे ऑल हैव द सेम कैमरास। इस बार गूगल ने दिया है एक और एडिशनल फीचर, वो दिया है वाइड एंगल लेंस का, जो कि पिक्सल 3 वाले लोग रो रहे थे कि हमें वाइड एंगल लेंस चाहिए और अब मिल गया है। बट एक चीज नई है, वो है यहाँ पर कैमरा ऐप का ऑप्टिमाइजेशन, और वो है कमाल माइंड ब्लोइंग। यानी कि वो ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मैं खुद देख के हैरान हो गया हूँ। अगर आप सेल्फी लेते हैं, किसी का पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेते हैं, तो आप यहाँ तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि लाइट इधर से आए या इधर से आए। एंड दैट्स नॉट ऑल, अगर हम कैमरा सैंपल्स देखें तो यहाँ पर आपको दिखती है बैलेंस्ड लाइटिंग। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि गूगल पिक्सल की फोटोज खींची हुई हमेशा आपको देती हैं द बेस्ट ट्रू कलर्स दैट यू विल गेट इन अ कैमरा। तो यहाँ हमें मिलता है डुअल कैमरा मॉड्यूल, 12 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस। और कितनी सी कितनी भी अच्छी फोटो खींच लो, लेकिन एक छोटी सी कमी इसके कैमरा में रह गई है, वो है प्रोसेसिंग टाइम, जो कि न्यूरल इंजन जो पहले गूगल पिक्सल 4 में था गूगल पिक्सल 5 में हटा दिया गया है, उसकी वजह से प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि एक टर्न ऑफ है, बट अदरवाइज द कैमरा इज स्टनिंग। और इन सब के बाद अगर आप इसके एडिटिंग सॉफ्टवेयर को देखेंगे, जो गूगल का अपना एडिटर है, उसमें अगर आप सॉफ्टवेयर को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे उसके फीचर्स देख के कि इसके अंदर सबसे नेचुरल कलर्स और सबसे ट्रू फॉर्म के अंदर आते हैं। यानी कि येलो इज अ येलो, इट्स नॉट एन ऑरेंज, एन ऑरेंज इज एन ऑरेंज, इट्स नॉट अ रेड। यानी कि किसी भी कलर को ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं करता एंड गिव्स यू द बेस्ट क्लैरिटी एंड कलर्स। सो गाइस, फाइनली मैं बोलना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था कि क्या ये बेस्ट फोन है अंडर 50,000, तो हाँ, अगर इंडिया में लॉन्च हो जाता है अंडर 50,000 तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट फोन है, क्योंकि ये सिंपल, मिनिमलिस्टिक और परफॉर्मेंस वाइज नंबर वन, कैमरा वाइज नंबर वन। आई डोंट थिंक आई नो अ बेटर फोन देन दिस। तो मेरे लिए इट्स माई फर्स्ट चॉइस।
अगर आप भी ये फ़ोन लेना चाहते हैं या आप मंगवाना चाहते हैं, जैसे भी आप इस फ़ोन को जुगाड़ करना चाहते हैं, एक बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आप अपना पुराना फ़ोन शायद पिक्सल 3 कैशिफाई पे बेच सकते हैं, यानी कि आप अपना कोई भी पुराना फ़ोन कैशिफाई पे बेच सकते हैं और आपको मिल जाएगा बहुत ही अच्छा प्राइस, घर बैठे आप अपने फ़ोन को तुरंत बेच सकते हैं और फाइनली एक नया फ़ोन ले सकते हैं। और जाने से पहले आप कैशिफाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो रिलीज करें। आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।